Hello students, how are you all? Welcome to Standard 3rd, Semester 2, Hindi, Chapter Number 12, Narendra ki Dradhita. Narendra ki Dradhita, ye ek prerak prasang hai. To sabse pehle hum Dradhita ka arth kya hota hai, wo jaan le. दृढ़ता यानी कि पक्का विश्वास, आप कुछ भी कर रहे हो या आप किसी को कुछ बता रहे हो उस बात पर आपको दृढ़ता यानी कि पूर्णतया विश्वास है कि नहीं ये मेरी बात सच ही है, उसे दृढ़ता कहा जाता है। तो चलो हम देखते हैं प्रेरक प्रसंग नरेंद्र की दृढ़ता। एक बार की बात है, कक्षा में सन्नाटा पसरा था। एक बात की बात है, कक्षा यानी क्लासरूम में एकदम चुप्पी, मतलब सारे बच्चे एकदम शांत थे। संगीत के अध्यापक द्वारा करारी डांट लगाने के कारण सभी बच्चे एकदम शांत हो गए। क्लास में सब बच्चे आवाज कर रहे होंगे तो म्यूजिक टीचर के द्वारा उनको बहुत ही डांट पड़ी, उसके कारण सारे बच्चे शांत हो गए। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी के आते ही हलचल शुरू हो गई। भूगोल का लेक्चर था, आप कैसे अभी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसी तरह भूगोल एक विषय है जो आगे आकर आपको आएगा ऊपर के स्टैंडर्ड में। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तभी। तो भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी क्लास में आए तो सारे बच्चों ने फिर से हलचल शुरू कर दी, पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर शांति छा गई। धीरे धीरे लड़कों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टूडेंट थे वो आपस में बातचीत करने लगे। क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना, विभु ने पूछा। आप भी क्लासरूम में आते हो तो अगले दिन आपको जो टीचर्स ने करवाया है वो आपको पता है कि मैडम ने ये सर ने करवाया था, आज ये करवाने वाले, हमें जो होमवर्क दिया है वो हमें बुक निकाल कर मैडम ये सर को दिखानी है। तो दो ऐसे स्टूडेंट थे वो आपस में बात कर रहे थे, उसमें एक था विभु। उसने अपने पास में जो बैठा था स्टूडेंट उसे पूछा, क्यों रे कॉपी तो लाया है ना, मतलब कि बुक, कॉपी यानी कि बुक। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, रोहन ने कहा। विभु जिसे पूछ रहा था उस लड़के का नाम था रोहन। तो रोहन ने विभु को क्या कहा, अरे बाप रे मैं तो भूल ही गया। तभी वेणुगोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी साध गए। ये दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे कि नोटबुक लाए कि नहीं, एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो वेणुगोपाल जी ने दोनों की ओर घूर कर, मतलब गुस्से में उसकी ओर देखा तो दोनों लड़के चुप हो गए। अरे रोहन, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है ना वो कैसा है, विभु ने रोहन से पूछा कि रोहन के घर पर जो गाय थी वो गाय बछड़ा देने वाली थी, तो बछड़ा आया तो कैसा है, विभु ने फुसफुसाते हुए पूछा। विभु ने रोहन से पूछा कि तेरे घर पर जो गाय को बछड़ा होने वाला था वो कैसा है, उजला एकदम सफेद। उजला मतलब दूध जैसा सफेद आया है, मैं शाम को आऊंगा देखने के लिए, पर शाम को तो दयाल के घर पर पतंग उड़ाने जाना है, याद है ना। विभु से कहा कि एकदम दूध जैसा सफेद है। तो विभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं शाम को देखने आऊँगा। तो रोहन ने विभु से कहा कि शाम को तो दयाल के घर पर हमें पतंग उड़ाने जाना है, याद है ना। वेणुगोपाल जी ने फिर घूर कर चुप रहने का संकेत दिया, दोनों लड़के शांत हो गए। वेणुगोपाल जी ने फिर अपने फेस एक्सप्रेशन, मतलब उसका फेस का जो था उसको इस प्रकार बताया कि वो बिना बोले ही दोनों की ओर ऐसा इशारा, मतलब ऐसा संकेत दिया कि अब आप अपनी बातें बंद करो और शांत हो जाओ।
वेणुगोपाल जी ने एक लड़के को सभी छात्रों की कापियां इकट्ठे करने का आदेश दिया। आपके क्लास में भी ऐसा होता होगा, या मॉनिटर सभी की बुक्स कलेक्ट करता है, या मैडम ने रोटेशन रखा होगा कि भाई एक दिन इसकी बारी है तो दूसरे दिन किसी और का टर्न आएगा। उसी प्रकार वेणुगोपाल जी ने एक लड़के को सारे स्टूडेंट की कॉपियां यानी कि बुक्स कलेक्ट करने को बोला। कुछ लड़के आज भी कॉपियां नहीं लाए थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो आज भी नोटबुक नहीं लाए थे। उन्हें कक्षा में मुर्गा बना दिया गया। पहले के समय में तो क्या था कि शिक्षक के द्वारा जो सज़ा मिलती थी ना, वो एक्सेप्ट मतलब कि उसको स्वीकार कर लेना पड़ता था, और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते थे कि भाई गुरु जो सिखाते हैं वो अच्छे के लिए सिखाते हैं, सज़ा देते हैं, तो उसको लगा होगा कि नहीं, ये सज़ा के पात्र है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो पहले के समय में क्या था कि मुर्गा बनाते थे, और आजकल ऐसी पनिशमेंट अलाउड ही नहीं है कि स्टूडेंट को छूना मना है, कोई पनिशमेंट भी देना अलाउड नहीं है। तो पहले के समय में तो ये शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सज़ा दी जाती थी। तो जो स्टूडेंट्स बुक नहीं लाए थे उनको क्लास में ही मुर्गा बनाया गया। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बनाकर देख मुंह छिपाकर हंसने लगे, तो कुछ इशारों से बातें करने लगे। जो स्टूडेंट्स बुक लाए थे वो अपनी जगह पर ही बैठे थे, और जो बुक नहीं लाए थे उनको मुर्गा बनाया गया था। तो जो मुर्गा बने थे उनको देखकर दूसरे स्टूडेंट मुंह छुपाकर हंसने लगे और कुछ इशारों से बातें करने लगे। वेणुगोपाल जी अभी 2-3 कॉपियां ही जांच पाए थे। वेणुगोपाल जी क्लास में वो नोटबुक चेक कर रहे थे। अब तक उन्होंने 2-3 बुक ही चेक की थी कि नरेंद्र नाथ की कॉपी उसके सामने आ गई। वो बुक चेक कर रहे थे तो उसमें से नरेंद्र की बुक उसके हाथ में आई। कापी जांचते हुए थोड़ा मुस्कुराए उन्होंने नरेंद्र को खड़ा होने का आदेश दिया और उससे पूछा, नरेंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? कभी कभी क्या होता है, आपको आंसर पता होता है फिर भी टीचर्स को ऐसा लगता है कि चलो उसको फिर से पूछा जाए कि वो लिखने में तो सही लिखा है लेकिन मेरे पूछने पर वो सही आंसर देता है कि नहीं। तो वो वेणुगोपाल जी को भी वो जानने की उत्सुकता प्राप्त हुई। तो उन्होंने नरेंद्र को खड़ा होने का आदेश दिया और उससे पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि नरेंद्र ने वेणुगोपाल जी को क्या आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।